हेलो दोस्तों, अब हम लोग को पढ़ना है ऑर्गेनिक रिएक्शन ट्रिक में पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में बहुत ही अच्छा चीज पढ़ना है, ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पढ़ना है डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल को हमको डीहाइड्रोजिनेशन करना है। डीहाइड्रोजिनेशन आप समझ रहे हैं यदि आप मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो पढ़े होंगे तो। डीहाइड्रोजिनेशन का यही मतलब होता है कि रिमूव कर देना है हाइड्रोजन को। देखिए कैसे, डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, तो सबसे पहले फिर इसको हम बता दें डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है। देखिएगा, शुरू में डी लगा हुआ है, लास्ट में एशन लगा हुआ है, तो डी आएगा जहां और लास्ट में एशन रहेगा जहां, वहां होता है रिमूवल, रिमूव कर देना है। डी आएगा तो रिमूव कर देना, क्या चीज को रिमूव कर देंगे, रिमूव कर देना मतलब हटा देना है, निकाल कर बाहर फेंक देना है। क्या निकाल कर बाहर फेंक देना है, तो बीच में पढ़िए क्या लिखा हुआ, यानी हाइड्रोजन को, यानी हाइड्रोजन मतलब H2, यानी H2 को, हाइड्रोजन को हमको निकाल कर बाहर फेंक देना है। किस चीज में से, जो हम रिएक्टेंट लेंगे उसी रिएक्टेंट में से हमको हाइड्रोजन को रिमूव कर देना है, हटा देना है, वही होगा रिएक्शन। तो हम बता दें यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल का नाम लिया गया है। किस, कौन डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, तो कुछ डिग्री का बात समझ लीजिए। ये कार्बन को कहा जाता है, कार्बन को कहा जाता है बाबू डिग्री, थोड़ा समझ लिया जाए। ये जो कार्बन है 1 डिग्री कार्बन है। हम कैसे पहचान गए, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्ट 1 कार्बन से जुटा है, इसलिए इसको हम 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन क्यों है, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्ट 1 कार्बन से जुटा है, इसलिए इसको पोजीशन जाता है 1 डिग्री कार्बन, ठीक है ना। चलिए, ये कार्बन, ये वाला जो कार्बन है कई डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्ट 1 ही कार्बन से जुटा है। जब ये डायरेक्ट 1 ही कार्बन से जुटा है, इसलिए इसको 1 डिग्री कार्बन यानी 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। यानी ये वाला भी मेरा कार्बन 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। अब बात आता है ये वाला कार्बन कई डिग्री कार्बन है, और बीच वाला जो कार्बन है, वही बीच वाला कार्बन के बारे में आपको बताना है कि ये बीच वाला कार्बन कई डिग्री कार्बन है। तो हमारे ख्याल से 2 डिग्री कार्बन है, आपके ख्याल से भी 2 डिग्री होगा। कैसे देखा जाए, ये जो कार्बन है देखना है कि डायरेक्ट कितने कार्बन से जुटा है। तो देखिएगा, ये कार्बन डायरेक्ट यहाँ भी जुटा है और ये डायरेक्ट यहाँ भी जुटा है, यानी ये कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से जुटा है, इसलिए इस कार्बन को हाँ 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। कभी नहीं सोचना है डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपको नहीं समझना है, ये 1 डिग्री सी से कार्बन है, बात समझे, C4 कार्बन यहाँ भी है। यहाँ पर ये कार्बन को बताता है, ये डिग्री को बताता है, ये 1 को बताता है, यानी 1 डिग्री कार्बन, ये नहीं कि 1 डिग्री सेल्सियस, भूल कर भी नहीं बोलना। तो ये जो कार्बन है 2 डिग्री कार्बन है, चलिए आप समझ चुके होंगे। अब कह रहा है 1 डिग्री अल्कोहल, अल्कोहल का मतलब हमको बुझा रहा है कि वहाँ पर OH होना चाहिए। क्या होना चाहिए, OH होना चाहिए, तभी तो अल्कोहल होगा, क्योंकि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है, तो OH होना चाहिए। तो भाई ये मेरा OH कहाँ कनेक्ट होना चाहिए, 1 डिग्री कार्बन पे कनेक्ट होना चाहिए। यानी जो अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है, ये जो अल्कोहल, वो कई डिग्री कार्बन पे कनेक्ट करेंगे, तो 1 डिग्री कार्बन पे कनेक्ट करेंगे। तो इसके बारे में हम देखे, जो अभी ऊपर हम लिखे हुए हैं, समझाए हैं, तो इसमें आप बता सकते हैं कि 1 डिग्री कार्बन कौन है। तो यहाँ भी है 1 डिग्री कार्बन, यहाँ भी है 1 डिग्री कार्बन, तो किसी एक कार्बन वाले पोर्शन को लाकर ऐसे लाकर यहाँ जोड़ देना है, समझ गए। तो 1 डिग्री यहाँ है, 1 डिग्री यहाँ, मेरा मन इस OH को हम 1 डिग्री कार्बन यहाँ पर जोड़ देते हैं। चलिए जोड़ दिए, कोई दिक्कत, ये वाला जो OH हम उठा कर लाकर यहाँ हम जोड़ दिए, तो ये 1 डिग्री कार्बन पे अल्कोहल जुट चुका है, इसलिए ये 1 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल हो गया। अब बात यह है कि इसमें हाइड्रोजन अपने से भर देना है। क्या हाइड्रोजन आपको भरने आएगा, हाइड्रोजन भरने आएगा आप लोगों को, एकदम आएगा। देखिए कैसे, ये जो कार्बन है 1 बॉन्ड बनाया है, अभी 3 बॉन्ड बाकी है, तो तीनों का तीनों हाइड्रोजन भर देंगे, तीनों का तीनों हाइड्रोजन आ गया। ये जो है कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है, अभी 2 बाकी है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन आ जाएगा बाबू।
ये जो कार्बन है दो बॉन्ड बनाया है, अभी दो बॉन्ड बाकी है तो दो बॉन्ड आएगा इसमें हाइड्रोजन और पूरा बॉन्ड फाइनल हो गया। यही तो एक एग्जांपल हो गया वन डिग्री अल्कोहल का, कई डिग्री अल्कोहल का, वन डिग्री अल्कोहल का यही एक एग्जांपल हो गया। अब यही सब रिएक्शन करेगा, उस रिएक्शन में होगा क्या कि हाइड्रोजन निकलेगा, इसको निकलेगा। चलिए एक और हम बात बता दें, ये जो कार्बन है कौन बताएगा, कौन कमेंट दे सकता है ये जो कार्बन है कई डिग्री कार्बन है, ये क्वेश्चन है, आपको कमेंट जरूर देना है। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो भी देखेंगे फ्यूचर में, ये जो कार्बन है कई डिग्री कार्बन है, आपको कमेंट जरूर करना है, इंतजार करेंगे इसका हम। तो ये जो कार्बन है बाबू बता दे रहे हैं वन डिग्री कार्बन है, ठीक है ना। यदि यह कार्बन किसी से न जुटा हो, स्वयं अकेला हो, सिर्फ अकेला हो, तो वन डिग्री कार्बन उसको कहा जाता है, कोई दिक्कत। अगर कोई कार्बन किसी कार्बन से नहीं जुटा है तो ये कार्बन अकेला है बेचारा, तो इसको हम वन डिग्री कार्बन ही कहेंगे, कभी जीरो डिग्री कार्बन नहीं करें कहेंगे, जीरो डिग्री कार्बन होता ही नहीं है, तो अकेले होते हुए भी वन डिग्री कार्बन कहलाएगा। तो अब मेरा यहाँ भी एक और बन सकता है बाबू, वन डिग्री अल्कोहल यहाँ भी हम बना सकते हैं, इस अल्कोहल को हम एक डिग्री कार्बन को जोड़ देंगे तो वन डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। तो क्या ये वन डिग्री कार्बन है कि नहीं है, बिल्कुल है, इसको उठाएंगे और इसमें लाकर जोड़ देंगे, कोई तकलीफ आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब ये जो कार्बन है एक बॉन्ड बनाया है, तो बताइए कई बॉन्ड और बनाएगा, तीन बॉन्ड और, तीनों का तीनों इसमें हम हाइड्रोजन को फिलअप कर देंगे, ऐसे भी भर सकते हैं, या आपका जीत है तो आप क्या करेंगे, आप बॉन्ड से भी भर देंगे इसको, ऐसे भी आप भर सकते हैं। यही हो गया मिथाइल अल्कोहल, यही हो गया मिथेनॉल, यही हो गया वुड स्प्रिट, इसी का नेम है बाबू। अब यही सब रिएक्शन करेगा, हमको जो भी अल्कोहल लेना है, जो भी मेंबर रहेगा, कौन अल्कोहल रहेगा, तो वन डिग्री अल्कोहल रहेगा, यह भी वन डिग्री अल्कोहल है, यह भी वन डिग्री अल्कोहल है, इसी टाइप को हमको लेना है और रिएक्शन को करवाना है, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में बता दें, यह भी वन डिग्री कार्बन है, यह भी वन डिग्री कार्बन है, अल्कोहल को वन डिग्री कार्बन में हम जोड़ देंगे, इसका हाइड्रोजन पूरा कर देंगे, इसका हाइड्रोजन पूरा कर देंगे, यही भी एक एग्जाम्पल हो गया वन डिग्री अल्कोहल का, यानी यही सब अब रिएक्शन करेगा। चलिए इसी में से हम इसको ले रहे हैं, पहला रिएक्शन हम मिथाइल अल्कोहल के साथ करा रहे हैं, तब दूसरा करेंगे इथाइल अल्कोहल के साथ, और उसके बाद इसको हम क्या करेंगे आपको क्लास वर्क दे देंगे, याद है ना सब बात। इसमें आपको ध्यान देना है, ध्यान यही देना है कि अब हम चल रहे हैं रिएक्शन करवाने, जो मेरा हेडिंग में लिखा गया, तो देखिएगा ये हम लिए हैं, ये क्या हम लिए हैं कोई बताएगा, कई डिग्री अल्कोहल लिए हैं, कौन है जो बताएगा, ये कई डिग्री अल्कोहल है बाबू, तो वन डिग्री अल्कोहल है, और इसी को हमको लेना है और डिहाइड्रोजिनेशन करवाना है। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन को रिमूव कर देना है, हाइड्रोजन को हटा देना है। चलिए अब इसको हम एकदम बनाएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं, एकदम बनाया जाएगा, लेकिन एक बात आपको याद रख लेना है, हाइड्रोजन जब भी हटेगा, जब भी डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे, यानी जब भी इसमें से हाइड्रोजन को खींच कर बाहर फेंकेंगे, हमेशा किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा, कॉपर, 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 कॉपर के बारे में आप सुने होंगे, वही है कॉपर, एटॉमिक नंबर 29 होता है बाबू कॉपर का, वही कॉपर मेटल लेंगे और उसी के प्रेजेंस में, वो कॉपर क्या है मेरा कैटलिस्ट है, उसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन भागता है दूर, यानी निकल जाता है इस प्रोडक्ट में से, इस रिएक्टेड में से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यानी हाइड्रोजन को रिमूव कर देना है, निकाल देना है हाइड्रोजन को। तो जब भी हाइड्रोजन को निकालेंगे, कॉपर मेटल जो है कैटलिस्ट है, इसी के प्रेजेंस में हाइड्रोजन हटेगा। आज के बाद सबको माइंड में रख लेना है कि हाइड्रोजन निकालना है तो कॉपर डालेंगे, हाइड्रोजन को जोड़ना है तो निकल डालेंगे। क्या याद है निकल के बारे में, मेरा वीडियो 2, 3, 4 में सब आएगा, और जब भी हाइड्रोजन को जोड़ा जाएगा तो निकेल लेना है, और जब भी हाइड्रोजन को निकालना है तो कॉपर लेना है। एक और बात, इसमें टेम्परेचर भी लिया जाता है, इसमें टेम्परेचर लेंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड, यही टेम्परेचर इसमें लिया जाता है, यानी जब भी आप हाइड्रोजन को निकाल कर बाहर फेंकिएगा, जब भी हाइड्रोजन को हटाइएगा रिएक्शन से, आपको टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड लेना पड़ेगा, और एक कैटलिस्ट लेना पड़ेगा कॉपर, उसके प्रेजेंस में जब आप स्टार्ट करिएगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन निकल के भाग जाएगा बहुत दूर, ठीक है, और मेरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें एक और सोचने वाली बात है बाबू, हाइड्रोजन हटेगा तो हाइड्रोजन कभी भी अकेला पीस में नहीं हटेगा,
हाइड्रोजन कभी भी अकेला पीस में नहीं लड़ता है, क्योंकि अकेले में ये हाईली रिएक्टिव होता है। तो इसमें से हाइड्रोजन एक पीस में नहीं हटेगा, मतलब एच के रूप में नहीं निकलता है, ये नेसेंट हाइड्रोजन है। अब फिर से हम बता दें, जो अकेला एच है नेसेंट, देखिएगा यानी नेसेंट, इसको हम बोलेंगे नेसेंट हाइड्रोजन। कौन हाइड्रोजन, ध्यान दीजिएगा, अगर मेरा हाइड्रोजन एक पीस है तो इसको नेसेंट हाइड्रोजन बोलेंगे, और ये हाईली रिएक्टिव होता है बाबू, अभी से नोट कर लीजिए, हाईली रिएक्टिव। हाईली का मतलब आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्रियाशील होता है। क्रियाशील मतलब रिएक्शन करने के लिए बहुत तेज उत्तेजित रहता है, समझे कि नहीं समझे। यानी इसको हम कहेंगे नेसेंट हाइड्रोजन, अकेला पीस में आपको हाइड्रोजन इसमें से भेटा जाएगा, कहीं भी आपको दिखाई दे रहे वो नेसेंट हाइड्रोजन होगा। हाईली रिएक्टिव होता है बाबू, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, बहुत एनर्जी है इसके पास रिएक्शन करने के लिए। तो आप बताइए, इसमें से हाइड्रोजन तो आपको हटेगा ही नहीं, केवल अकेला पीस में हट ही नहीं सकता है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, कहीं ना कहीं रिएक्शन कर जाएगा। इसलिए जब भी हटेगा इसमें से हाइड्रोजन, तो हम शुरू से ही बता दिए हैं, हाइड्रोजन जब भी हटेगा H2 के रूप में हटेगा, मॉलिक्यूल के रूप में हटता है। बात समझ में आया है कि नहीं आया है, हमको लगता है एकदम आया होगा बात समझ में। देखिए, इसमें से H2 को निकलना है, यानी डिहाइड्रोजिनेशन करना है, मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करना है, हटा देना है। तो कॉपर के प्रेजेंस में हमेशा हाइड्रोजन हटता है, और साथ ही साथ हमको गर्म करना पड़ेगा 300°C, ठीक है ना। तो इसमें से H2 को हटाना है, तो हम जानते हैं जब भी हाइड्रोजन हटेगा H2 के रूप में हटेगा, उसमें कोई शक नहीं है। अब बात है यही कि हाइड्रोजन तो हटाएंगे, H2 तो हटाएंगे, अब इसमें से कौन कौन हम हाइड्रोजन लेंगे, कौन कौन हाइड्रोजन ले सकते हैं। कुछ हाइड्रोजन कार्बन पे कनेक्ट है, और कुछ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे कनेक्ट है, थोड़ा सा है इसमें, मतलब तीन हाइड्रोजन कार्बन पे कनेक्ट है और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे कनेक्ट है। थोड़ा सा यही दिमाग में लगाना है ध्यान, कि हाइड्रोजन हटाए तो कौन हटाए, बात समझे कि नहीं समझे। तो चलिए हम बता दे रहे हैं कि जब भी हाइड्रोजन को हटाइएगा एक हाइड्रोजन, इसमें से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन का होना चाहिए और एक हाइड्रोजन कार्बन पे का होना चाहिए, कार्बन पर जो है हाइड्रोजन उसमें का एक होना चाहिए और एक इस ऑक्सीजन में का होना चाहिए। तो एक इधर से ले लीजिए और एक इधर से ले लीजिए, दोनों मिलाकर मेरा H2 हो जाएगा। इसको बाहर कर देना है, जो बच गया उसको जोड़ देना है, क्या करेंगे, एकदम जोड़ देंगे। तो देखिए क्या होगा, इसमें का हाइड्रोजन और इसमें का हाइड्रोजन ऐसे हम निकाल देंगे, बाहर कर देंगे। तो क्या जब इसको बाहर करेंगे तो यहाँ पर हम H2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यही H और यही H, जब भी हाइड्रोजन निकलेगा एक ऑक्सीजन का हाइड्रोजन होगा और एक कार्बन पर का हाइड्रोजन होगा, कोई भी हाइड्रोजन इसमें का, तो ऐसे ही आउट होता है। तो H और H, H2 बाहर हो गया, H2 बाहर हो गया। अब जो बात बच गया है, जो पोर्शन बच गया है, उस पोर्शन को बचा हुआ पोर्शन यहाँ लिख देंगे, क्या करेंगे, लिख देंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर ये हाइड्रोजन हटता है, ये हाइड्रोजन हटता है, तो यहाँ का एक बॉन्ड खाली रहेगा, और ये हाइड्रोजन जो जाता है तो यहाँ का एक बॉन्ड खाली रहेगा। अब देखिएगा, एक बॉन्ड कार्बन पे खाली है और एक बॉन्ड ऑक्सीजन पे खाली है। अब इसको भी यहाँ ला देंगे और इसको भी यहाँ ला देंगे, और दोनों मिलकर यहाँ जुट जाएगा, यानी ये HC डबल बॉन्ड O और H हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब ये हटेगा और दोनों को लाकर, दोनों इसका जो बॉन्ड बच रहा है, इसका जो बॉन्ड बच रहा है, दोनों के यहाँ जोड़ देंगे, दोनों जोड़कर एक बॉन्ड हो जाएगा, यानी ऐसे कुछ हो जाएगा। यहाँ का एक बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। तो यहाँ वाला खाली वाला और यहाँ का जो खाली है, दोनों खाली को यहाँ पर फुल कर देंगे, यानी जोड़ देंगे, ठीक है ना। चलिए, इसके बारे में क्या कोई बताएगा, ये कौन सा कंपाउंड है, ये है आपको अल्डिहाइड का एक मेंबर, जिसको मिथेनॉल बोला जाता है, मिथेनॉल बोला जाता है, ठीक है ना, जिसका एक और नेम है फॉर्मल्डिहाइड।
या इसी को हम देखिएगा, इसी को हम सेट कर सकते हैं, इस ऑक्सीजन वाले पार्ट को हम घुमा कर ऊपर कर दे रहे हैं, मतलब ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, कोई दिक्कत? और इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, एकदम सेम है, बिल्कुल सेम है। तो हम टर्न कर दिए, घुमा दिए। चलिए आप बताइए इसके बारे में, इसके बारे में आप बताइए सी एच ओ है कि नहीं है। और मैं नेम लिख सकते हैं ये वाला बॉन्ड, और इसको हम सी एच ओ कह सकते हैं, सी एच ओ, सी एच ओ और एच है। क्या इसके बारे में आप बता सकते हैं एच बॉन्ड सी एच ओ क्या है? यही है फॉर्मल्डिहाइड। इसका क्या नेम है? फॉर्मल्डिहाइड, या इसी का एक और नेम है और में मिथेनॉल, इसी का नेम है मिथेनॉल या फॉर्मल्डिहाइड, यही है एच बॉन्ड सी एच ओ। समझ में आ चुका होगा आपको। चलिए मेरा जो प्रोडक्ट बना है ये फॉर्मल्डिहाइड यानी अल्डिहाइड बना है, और ये बाई प्रोडक्ट में चला जाएगा। यानी हम एक और बात कह सकते हैं, ये जब भी हम रिएक्शन करवाएंगे यानी डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, जब भी डिहाइड्रोजिनेशन होगा किसका, 1 डिग्री अल्कोहल का, तो अल्डिहाइड बनता। चलिए एक और हम बना रहे हैं, उसके बाद एक आपको देंगे क्लास वर्क। चलिए अब हम दे रहे हैं वो वाला, कौन वाला, इथाइल अल्कोहल। ध्यान दीजिएगा अब हम लिख रहे हैं इथाइल अल्कोहल, कौन अल्कोहल, यही है बाबू इथाइल अल्कोहल, कुछ नहीं कहना है। अब देखिएगा जब भी डिहाइड्रोजिनेशन होगा, जब भी हाइड्रोजन को निकाला जाएगा, कॉपर के प्रेजेंस में ही हटता है, कॉपर एक कैटलिस्ट है, इसी के प्रेजेंस में क्या होगा, हटेगा। और हमको साथ ही साथ 300 डिग्री सेल्सियस हमको टेम्परेचर देना पड़ेगा, देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। अब यही है इथाइल अल्कोहल, कौन अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल यही है। अब इसमें से डिहाइड्रोजिनेशन होगा यानी हाइड्रोजन को रिमूव करना है, तो हम बता ही दिए हैं एक ऑक्सीजन पे का हाइड्रोजन होना चाहिए, और एक जो डायरेक्ट कनेक्ट है इस अल्कोहल से, डायरेक्ट जो कार्बन पे कनेक्ट है उस कार्बन का एक हाइड्रोजन होना चाहिए। यानी ये दोनों में से किसी एक हाइड्रोजन को ले लेंगे और यहाँ पर एक हाइड्रोजन को ले लेंगे, यानी इतना पोर्शन ले लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर एक एच है, यहाँ पर एक एच है, दोनों एच एच मिलकर क्या हो जाएगा, एच टू बन के बाहर हो जाएगा। एच टू बन के यहाँ पर बाहर कर दिए, देखिए बाहर हो गया। अब जो बच गया इसको यहाँ पर ला कर लिख देना, तो कैसे बचेगा हम दिखाते हैं। यहाँ पर देखिएगा यहाँ से हाइड्रोजन हट गया तो एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन हट गया तो एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, ये जो दोनों बॉन्ड खाली है जोड़ देंगे। क्या किया है, एक यहाँ बॉन्ड खाली हो गया है, एक बॉन्ड यहाँ खाली हो गया है, दोनों बॉन्ड खाली हो गया है, तो दोनों से क्या करेंगे, इधर लाकर जोड़ देंगे। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं ताकि आपको पहचान में आ जाए ये रियल में ये पार्ट है क्या। इसको हम ऊपर करते हैं, इसको जब हम ऊपर करेंगे ये आएगा कि नहीं आएगा, एकदम आएगा। और इसको हम इधर घुमा कर और इधर कर देते हैं, यहाँ पर हो गया कि नहीं हो गया, देखिएगा ये हो गया है। अब इसी को हम शॉर्ट में थोड़ा लिख दें, इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, तो सी एस थ्री या बॉन्ड सी एच थ्री हो जाएगा। देखिएगा ये है सी एस थ्री और ये है सी एच ओ, यानी अभी अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है, तो इसका क्या नेम हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इथेनॉल हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। और एक और नेम क्या होता है, एसिटल्डिहाइड, एक और नेम और में देखिएगा इथेनॉल हो गया इसका नेम, या एक और हो गया एसिटल्डिहाइड इसका नेम हो गया, एकदम हो गया है। और ये मेरा मेन प्रोडक्ट हो गया, ये वाला बाई प्रोडक्ट कहलाएगा, ये रिएक्टेंट है, वो सब प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो जब भी हाइड्रोजन को हटाएंगे, जब भी हाइड्रोजन हटेगा इधर से उधर जाकर लिख देंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कॉपर कैटलिस्ट लेना पड़ेगा और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेना पड़ेगा। एक और बात को ध्यान दीजिएगा, अगर आपका मन नहीं है इधर प्लस एस टू लिखने के लिए, क्योंकि जब हटेगा तो इधर नहीं आएगा, अगर आपको मन नहीं है प्लस एस टू लिखें, तो एक और तरीका है, इसको मिटा दीजिए, और मिटा देने के बाद इस एरो के नीचे आप माइनस एस टू लिख सकते हैं, कौन एच टू, माइनस एच टू लिख सकते हैं, यानी इसमें से माइनस हो गया है एच टू, तो यह भी एक तरीका है। चलिए हम क्लास वर्क दे रहे हैं तो इस क्लास वर्क को आपको बनाना है खुद से, और आपको जजमेंट करना है कि आप सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं। तो
यहीं पर हम क्लास वर्क दे देते हैं। क्लास वर्क यही है CH3 bond, CH2 bond, CH2 bond OH, ये हो गया। अब इसको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर हम क्लास वर्क दे देते हैं। क्लास वर्क यही है CH3 bond, CH2 bond, CH2, और इसको क्या करना है आपको, डिहाइड्रोजिनेशन करना है। कैटलिस्ट है कॉपर, उसी के प्रेजेंस में आपको क्या करना है, हाइड्रोजिनेशन करना है बाबू, क्या करना है, हाइड्रोजिनेशन करना है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपसे बन जाएगा। करना क्या है, इसको आपको सीधा कर लेना है, और ये एच एक यहाँ लग जाएगा, यहाँ एच लग जाएगा, और इसमें का एक हाइड्रोजन और इसमें का एक हाइड्रोजन को बाहर कर देना। ध्यान रहे कि एक हाइड्रोजन हम इसमें से नहीं ले सकते हैं, इसमें से नहीं ले सकते हैं, नहीं, जो OH जिस पे कनेक्ट है उसी कार्बन से लेना है, ये आपको थोड़ा माइंड में रखना है। जो अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है जिस कार्बन पे जुटा है उसी में से एक हाइड्रोजन लेना है और इसी में से एक हाइड्रोजन लेना है, बना देना है, ठीक है ना, बन जाएगा। अब आपको नोट में एक बात लिखना है, नोट में नोट यही करना है कि हम लोग लिए थे 1 degree अल्कोहल, क्या डिग्री अल्कोहल हम लिए थे, 1 degree अल्कोहल, जब 1 degree अल्कोहल को लिए थे और क्या किए थे, डिहाइड्रोजिनेशन किए थे, 1 degree अल्कोहल लिए थे और डिहाइड्रोजिनेशन किए थे, कॉपर के प्रेजेंस में हाइड्रोजन को निकाले थे, टेम्परेचर दिए थे 300 degree Celsius, तो क्या बना था, सबके सब एल्डिहाइड बना है, देख लीजिए सबके सब एल्डिहाइड बना है, ठीक है ना, इथेनल मिथेनल वे, यानी क्या बनेगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनेगा और प्लस में हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा, सबके सब एल्डिहाइड बनेगा और हाइड्रोजन भी निकला था, यानी नोट यही करना, 1 degree अल्कोहल ये एल्डिहाइड बने। चलिए दोस्तों, उम्मीद आपको समझ में आ चुका होगा, ये वाला अपने से बना लेना है आपको। चलिए, उम्मीद आपको समझ में आ चुका होगा, वीडियो एंड हो रहा है।